अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय शो जी। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के अंदर, और कराची प्रेस क्लब की हेल्थ कमेटी ख्याल रखती है अपने अरकान उनके अटकाना की सहित। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मनाजिर कराची प्रेस क्लब के अंदर पाँच जी आई लिवर डिजीज सोसाइटी के तहत और कराची प्रेस क्लब की हेल्थ कमेटी के तहत स्क्रीनिंग टेस्ट का यहाँ पर इनका किया गया है, और यहाँ पर हेपेटाइटिस बी सी एक टेस्ट किए जा रहे हैं। अरकान उनके अहल खाना यहाँ पर आते हैं वक्ता, जैसे जैसे वक्त मिलता है वो यहाँ पर आते हैं और अपने टेस्ट करवाते हैं। तो इस वक्त आप ये देख रहे हैं कराची प्रेस क्लब के अरकान यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस टेस्ट की सहूलत से फ़ायदा उठाते हैं, और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि सेहत के बुनियादी तौर पर ख्याल रखा जाए। हम यहाँ बात करें कराची प्रेस क्लब की हेल्थ कमेटी के सेक्रेटरी हैं वकार मल्टी, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि इसका बुनियादी मकसद क्या होता है, किस तरह की सहूलत काम करते हैं अरकान। जी भट्टी साहब, ये बताइए कि बुनियादी मकसद क्या है आपको, किसके इस तरह से कराची प्रेस क्लब की हेल्थ कमेटी ने इस कैब का इनका किया है। जी बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने मौका दिया। ये कराची प्रेस क्लब की हेल्थ कमेटी अक्सर मुख्तलिफ ओकेजन्स पे आलमी दिनों के मौके पे कैंप्स का इनेकाद करती है, अवेयरनेस सेशंस का इनेकाद करती है और प्रोग्राम करती है। तो कल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता पूरी दुनिया में, उसकी मुनासबत से कराची प्रेस क्लब की हेल्थ कमेटी ने फैसला किया कि हम अपने मेम्बरान की स्क्रीनिंग करें और देखें कि क्या कोई मेम्बर हमारा बी एस सी हेपेटाइटिस बी एस सी में मुबतला तो नहीं है, तो उसकी स्क्रीनिंग हो रही है। उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल चेक किया जा रहा है, हमारी जो रोज़ो शब है वो जिस तरह गुजारी जाते हैं। इस स्क्रीनिंग कैंप और अवेयरनेस सेशन का इनेकाद पाक जी आई एंड लिवर डिजीज़ सोसाइटी ने किया है, जो कि एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की पेट और जिगर के अमराज के माहरीन की एक सोसाइटी है, उसने किया है। उसने एक मकामी फार्मास्यूटिकल कंपनी है हिल्टन, उसके ताउन से ये अवेयरनेस कैंप लगाया है, स्क्रीनिंग कैंप लगाया है। अगर कोई खुदा ना खासा कोई शख्स बी एस सी में मुबतला होता है तो हम उसकी मज़ीद टेस्ट करवाएँगे, उसका पी सी आर करवाएँगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसका इलाज भी करवाएंगे। अच्छा बच्चा, आपकी एक्सपर्टीज़ है हेल्थ के ऊपर और मुख्तलिफ उमूर के ऊपर, तो आप बताइए। देखिए असल मसला यही है कि डेटा अवेलेबल नहीं, डेटा मैं कई सालों से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे अभी तक ऑथेंटिक डेटा नहीं मिला है। रफली जो हमें बताया गया वो ये है कि पाकिस्तान की 10% आबादी हेपेटाइटिस बी और सी के अमराज में मुबतला है। तो अगर 10% आबादी जो बी और सी के उसमें मुबतला है, तो इसका मतलब ये है कि ये तादाद भी करोड़ों में जाती है, और अगर मतलब कम से कम जो है 1.5 से 2 करोड़ लोग जो हैं वो इस मर्ज़ में मुबतला है। असल मसला ये है कि इस मर्ज़ की स्क्रीनिंग नहीं होती तो लोगों को पता नहीं चलता, ये साइलेंट किलर है। बी सी आपको नहीं पता चलता जब आपका लीवर जो है सिरोसिस हो जाता है, सुखड़ जाता है और कैंसर हो जाता है, तो तब लोगों को पता चलता है। उस वक्त कोई इलाज नहीं होता सिवाय लीवर ट्रांसप्लांट के, जो कि बहुत महंगा है। तो अगर इस तरह की स्क्रीनिंग हो रही हो तो आप आएँ, अपने आप को स्क्रीन करवाएँ ताकि आपको पता चल जाए। स्क्रीनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर बीमारी निकल आई है तो आपके ज़िंदा रहने का कोई इम्कान नहीं है, इलाज मौजूद है। हमारे लोग स्क्रीनिंग कराने से डरते हैं, वैक्सीनेशन करवाने से डरते हैं। बी की वैक्सीनेशन मौजूद है, बी की वैक्सीन लगवाएं अपने आप। जिन बीमारियों की वैक्सीन मौजूद है, कोविड की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है, उनकी वैक्सीन करवाएँ ताकि आप उससे महफूज रह सकें, अपने अहल खानों को बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएँ। वकार भट्टी सेक्रेटरी हेल्थ कमेटी कराची प्रेस क्लब से गुफ्तगू कर रहे थे, तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि अरकान प्रेस क्लब में खसूस और आवाम के अंदर जिन लोगों की शोर उजागर किया जाए कि स्क्रीनिंग की जो सहूलत मौजूद है उससे फ़ायदा उठाएँ, जो डिजीज़ आपके मतलब मौजूद है उसका इलाज मौजूद है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है। तो अमूल तौर पर लोग डरते हैं, घबराते हैं इस सूरत हाल के हवाले से कि अगर ये डिजीज़ उनके अंदर आ जाती है तो खासे परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका इलाज मौजूद है। लेकिन अगर आप इसको नज़रअंदाज कर देंगे, स्क्रीनिंग की सहूलत मौजूद हो, वैक्सीन मौजूद हो, लेकिन आप अपना इसका इलाज ना कर पाएँ, हेपेटाइटिस जो है वो गंदे खून से ही फैलता है, साथ साथ जो पीने का साफ पानी का अमाउंट तो वो भी धीरे धीरे होती है, वो आपको दिखा रहे हैं इस्तेमाल का सीरीज से भी प्रयास करना चाहिए, जो कि एक वजह बनती है हेपेटाइटिस के फैलने की। और इसके साथ साथ ये दूसरा फोट दिखा रहे हैं मकान पट्टी हेपेटाइटिस काबिल इलाज भी है, काबिल इलाज वो ये कह रहे हैं स्क्रीनिंग की सहूलत है, जाएँ इलाज करवाएँ। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बुनियादी मकसद ये था कि कराची प्रेस क्लब के अरकान को इस
सोलर से आगाह किया जा सके, तो नकार जो है यहाँ पर मौजूद है, तो इसका इससे पैगाम दिया जा रहा है लोगों को कि इन तमाम चीज़ों से बचें। तो अब इस वक्त आप भी आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन के अरकिन यहाँ पर मौजूद हैं, और हम भी दिखाते हैं कि जो इस स्क्रीन टेस्ट के अंदर मौजूद ये अमला है, ये यहाँ पर मौजूद है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी सी और जिगर के अमराज के माहिर भी यहाँ पर आएंगे, अपने खिताब करेंगे, इसके बारे में लोगों को आगाह करेंगे। तो इस तरह इस तमाम तर सुझाव से हमने आपको आगाह किया। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।